अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 5A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2, अपडेटेड मैथमेटिक्स बुक 2, सेवन्थ एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है कि। और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज की वीडियो में। इसके जो पिछले क्वेश्चंस हैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट अ बस टर्मिनल बसेज अराइव आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, आसिफ वॉन्ट्स टू कैच द 5th बस। At what time should he reach the terminal if the first bus arrives 9 AM? ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि बसेस का किस तरह आ रही हैं हर 30 मिनट के बाद, ठीक है। जब 30 मिनट के बाद आ रही हैं तो अगर फर्स्ट बस जो है वो 9 AM पे आई है तो दूसरी कितने पे आएगी? 9:30 पे, फिर 10 पे, फिर 10:30, फिर 11, फिर 11:30, ठीक है। तो हम इसी तरह से फिल अप कर लेते और फिर देख लेते कि 5th बस जो है वो कितने टाइम पर आई थी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे फिल अप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 9:30 AM, फिर उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 10 AM, फिर हो जाएगा 10:30 AM, फिर मेरे पास हो जाएगा 11 AM और फिर मेरे पास हो जाएगा 11:30 AM। तो हमें क्या उसने कहा था कि आसिफ ने कौन सी बस को कैच करना है? 5th बस। तो 5th बस की क्या टाइमिंग है? 11 AM, ठीक है। तो उसको जो है वो कितने बजे टर्मिनल पे पहुंचना चाहिए? उसको 11 से पहले टर्मिनल पे पहुंचना चाहिए ताकि वो 5th बस को कैच कर सके, ठीक है जी। तो ये तो था 5th क्वेश्चन। 6 की तरफ आते हैं हम। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन में है कि अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न मेड फ्रॉम ट्राइंगल्स विथ ईच साइड 2 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास है ना सीक्वेंस है ये ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो जिसमें कह रहे हैं कि हर ट्राइंगल की जो साइड है ना, यानी कि ये भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये नीचे से भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी सारी की सारी साइड्स कितनी हैं हमारे पास? 2 सेंटीमीटर्स की हैं। फर्स्ट कह रही हैं कि व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2। ये जो हमारे पास सेकंड पैटर्न है इसका कह रहे हैं पैरामीटर बताएं। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले मैं आपको पैरामीटर के बारे में बताती हूँ, फिर मैं आपको आगे फर्दर बताती हूँ। तो पैरामीटर हमारे पास होता है द कॉन्टीन्यूस लाइन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। यानी कि कोई भी हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है उसकी ये जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री हमारे पास क्या होता है? पैरामीटर होता है। जैसे कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? तीनों साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पैरामीटर बन जाएगा ट्राइंगल का। इसी तरह पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? क्योंकि स्क्वायर की 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसी वजह से हम सारी साइड्स को एक ही नाम दे देते हैं। तो इसी वजह से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 टाइम लेंथ। अब लेंथ यहाँ पर a थी, इस वजह से मैंने इसे a ही लिख दिया। उसके बाद देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की दोनों लेंथ बराबर होती हैं और दोनों विड्थ बराबर होती हैं, इसी वजह से इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, या जैसे मर्जी आप लिख दें, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। विड्थ ब्रेथ एक ही चीज़ होती है। तो ये हमारे पास होते हैं फार्मूलाज होते हैं जी पैरामीटर के। तो मैं इनके साथ में आप लोगों को ये भी रिकॉल करवा दूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी कि हमने बताना है कि व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ सेकेंड पैटर्न। ये जो सेकेंड पैटर्न है इसका हमने पैरामीटर बताना। अब इनने क्या बताया हमें कि जो हर साइड है वो कितने की है? 2 सेंटीमीटर्स की है। तो हर साइड 2 सेंटीमीटर्स की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। बीच वाली जो साइड है इसको हमने नहीं देखना क्योंकि पैरामीटर हमारे पास क्या होती है? आउटर बाउंड्री होती है।
तो इन सारी साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2, 4, 6, 8। तो पैरामीटर क्या है हमारे पास पैटर्न नंबर 2 का, हमारे पास इसका पैरामीटर है 8। और उसके बाद है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर देते हैं इस टेबल को, तो इसका पैरामीटर हमारे पास क्या बन गया था, 8 सेंटीमीटर। सॉरी। नेक्स्ट जो है अब इसका हमने करना है पैरामीटर, तो इसी तरह कर लेते हैं। ये हो गया 2 सेंटीमीटर्स, ये भी 2 सेंटीमीटर्स, ये भी 2 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे मेरे पास 2 ट्राइंगल्स की बेस है, इस वजह से 2 दफ़ा लिख देती हूँ 2 सेंटीमीटर्स। अब इन सबको हम ऐडअप कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो जो थर्ड मेरे पास ट्राइंगल है इसका पैरामीटर क्या है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर्स। और अगर आप गौर से देखें तो उसके बीच में 2 सेंटीमीटर्स ऐड होते जा रहे हैं हर न्यू पैटर्न में, ठीक है। तो इसी वजह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और फिफ्थ क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। बुक के एंड में 16 लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर 16 नहीं आता, इसका आंसर 14 आता है, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ से भी सॉल्व करके भी बता दे रही हूँ। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट है कि द रूल ऑफ पैरामीटर ऑफ द nth पैटर्न इज 2n+4। कह रही कि अगर आपने nth पैटर्न को फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर रूल उन्हें हमें बताया हुआ है कि 2n+4 में हम कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास उस नंबर का पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ 18th पैटर्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पैरामीटर ऑफ 18th पैटर्न इज इक्वल्स टू टू एन प्लस फोर है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे n की जगह क्या लिख लेंगे, क्योंकि 18th पैटर्न का हमने फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 2 × 18 + 4, तो 8 × 16 = 61, 2 × 1 = 2, 1 = 3, 36 + 4 विच इज इक्वल्स टू 40। तो पैरामीटर ऑफ 18th पैटर्न क्या आ गया मेरे पास, 18th पैटर्न पैरामीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पैरामीटर ऑफ 18th पैटर्न, जो कि हमारे पास 40 आ गया। और फिफ्थ पैटर्न का भी मैं आपको दोबारा से यहाँ पे साइड पे करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बुक के एंड में 16 लिखा हुआ है लेकिन 16 नहीं आता। तो हमारे पास क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन n इज इक्वल्स टू 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × 5 + 4, तो 5 × 2 = 10, 10 + 4 क्या होता है, 14, ठीक है, 14। यानी कि फिफ्थ जो हमारे पास नंबर ऑफ पैटर्न है उसको पैरामीटर क्या हमारे पास 14, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, और पैरामीटर हमारे पास सेंटीमीटर्स में, इस वजह से साथ में लिख देते हैं सेंटीमीटर्स। तो ये थी जी आज की वीडियो जो मैंने आपको करवाया है, अपडेटेड 7th एडिशन बुक 2 की जो एक्सरसाइज 5A है उसका क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया है 5 और 6। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।